गुड मॉर्निंग गाइस, अभी लगभग 8:30 बज रहे हैं और अभी उठे हैं हम, और अभी हम आए हैं ब्रश करने। ये रहा यहाँ का धारा, यहाँ पर पानी आता रहता है हर टाइम, पीने का पानी साफ। तो अभी ब्रश करें, इसके बाद हम जाएंगे आज नीलम के लिए। आलू बोने की तैयारी, देख सकते हो हल जोतते हुए। तो आज का सफ़र शुरू होता है बुरफू से हमारा नीलम के लिए। सुबह हमने बुरफू में नाश्ता कर लिया है और अभी चल रहे हम नीलम के लिए। अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं लोग खेती का काम शुरू कर चुके हैं, जो जा चुके हैं। ये मरतोली गांव इस तरफ, शायद मतोली भी जाएंगे इस बार। चलो मिलो, अभी हम चल चुके हैं बुरफू से और हमारे साथ है राहुल, जो कि पिछले साल भी था मरतोली में जाते टाइम पे। और अभी यहाँ से मिला मैं लगभग 10 से 11 किलोमीटर। तो अभी हम चल रहे हैं सुबह 9:30 बजे यहाँ से। यहाँ पर रोड की सफाई का काम चलता हुआ, मशीन लगी हुई है। सामने देख सकते हो आप, यहाँ है मापा विलेज, यहाँ है मापा। सामने दिख रहा है हमें मालचूर, बताते हैं कि इसका पानी सीधे सीधे नीचे जमीन को नहीं छूता है, देख सकते हो आप। पुरानी कहानियाँ तो ये भी हैं कि एंट्री गेट, और नीचे रहा गांव। अभी पहले हम जा रहे हैं मंदिर। जय हो नन्ना मैया। ये रहा बिल्जू में माँ नंदा देवी मंदिर। इससे पहले जब मैं पहले साल 2016 में जुहा रहा था, तब भी मैं यही मंदिर में आया था। दूसरी बार मैं अपने गांव में, नीचे देख सकता है बिल्जू गांव, आधे से ज़्यादा गांव खंडहर हो चुके हैं। और अब हम चलते हैं वापस नीचे गांव की ओर, आपको दिखाते हैं बिल्जू का गांव। नीचे बिल्जू गांव देख सकते हैं आप। हाँ, मेनली बिरजवाल और दासवाल लोग रहते हैं, और थोड़े से परिवार हैं नितवाल लोग भी रहते हैं यहाँ, और कुछ परिवार हरिजनों के भी रहते हैं। इस साइड पहला गांव पड़ता है और ये बुरफू से लगभग 3 या 4 किलोमीटर होगा। आपको थोड़ा सा गांव में जाके दिखाते हैं। इसके बाद पत्थर बिल्जू में खेत में आलू खोदते टाइम मिले, शायद ये कोई तिब्बती देवता क्या है या फिर किसी भी देवता का होगा। आंटी ने बताया कि 3 साल पहले ये आलू के बुआई के टाइम उन्हें मिला हुआ था, और ये जानवर की सींग। और आंटी ने हमें कुछ पुराने बर्तन दिखाए। इसके बाद ये क्या है, दोब। और ये अरपी, अरपी ये सामान वामान रखने का, पुराने जमाने का ये। और वो भी है तो एक गांव के बीच का मंदिर। वो कहाँ रखा हुआ ला? हाँ क्या देखते कुछ नहीं।
आंटी ने हमें एक पत्थर के बारे में भी बताया जो बिल्जू गांव के बीचों बीच है। यहाँ पर हर साल मुनस्यारी से जोहार आने के बाद लोग पूजा करते हैं। ये देख सकते हो, पत्थरों में ही कोई बताता है कि पुर्ब्याल जी का है, कोई बता रहा है कि पुराना तिब्बती है, पर जब गांव वाले आ जाते हैं तो फिर एक बार यहाँ पे भी पूजा होती है। और ये सामुदायिक भवन बिल्जू का, उठा उसे, उठा पाएगा तेरी विश पूरी हो जाएगी सारी। लगभग आधा गाँव से ज्यादा खंडरी हो चुके हैं। अब बिल्जू में थोड़ी देर बैठ के और ऊपर नंद माई के मंदिर में होके हम चल दिए गाँव से आगे इलम की ओर। देख सकते हैं अभी लोग आए नहीं हुए गाँव में, और यहाँ जम्बू की खेती हुई है। ये रहे गाँव के रास्ते। आधा गांव खंडर है, और जो लोग आते हैं यहाँ जम्बू वहाँ पर आलू बहुत सारी फसलें होती है जिनकी खेती की जाती है। पुराने दरवाजों के डिज़ाइन देख सकते हैं आप, अभी भी काफ़ी अच्छा है। ये भी देख सकते हो डिज़ाइन। आप बिल्जू गांव में थोड़ी देर बैठ के और घूम के हम चले अब मिलम की ओर। यहाँ लोगों का कहना है कि आगे मिलम का पुल टूटा हुआ है, तो फिर जाते टाइम थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी और ध्यान देना पड़ेगा कि पुल आराम से क्रॉस किया जाए। सामने आप देख सकते हैं यह है कनघर गांव, और दूसरी तरफ ये रहा पांचवा गांव, और पीछे आए बादलों में आपको भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी नंदा देवी का ईस्ट साइड भी यहीं देखने को मिलता है, और नंदा देवी का ईस्ट कैंप भी यहीं है। और बादलों से अभी व्यू साफ नहीं आ रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पुल टूटा हुआ है और नीचे लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो देखते हैं उस पार जाने का रास्ता किस तरफ से है, ये पता करना पड़ेगा। और जो घोड़े खच्चर में सामान आ रहा था मिलम के लिए वो भी यहीं पर ही छोड़ के गए हुए हैं, तो अभी देखते हैं कि उस तरफ रास्ता पार कैसे किया जाएगा। पुल की हालत देख सकते हो आप, पूरा पुल टूटा हुआ है, मुश्किल ही लग रहा था ना। भैया बता रहे कि रास्ता नीचे से है, देखते हैं नीचे से आया जाएगा। आगे है चलना, आगे से नीचे, यहाँ से कहाँ गुजरा कहीं पे भी। भैया बता तो रहे हैं कि नीचे से आप जा सकते हो। ये रहा पार करने का रास्ता, देख सकते हो आप पुल में से ही चल चल के पार कर रहे हैं।
फाइनली स्कूल को पार करके हम अब इस तरफ आ चुके हैं। यहाँ से अब थोड़ा ये मिला पहुँचना बहुत ही करेंगे हम खाना आने के बाद एक दो घंटे, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाया जाए। हीरा होटल मिलम में हमें मिल गया एक भैया, अभी ये लेके जा रहे हैं हमें अपने घर, हम वहीं खाना खाया जाएगा। सामने मिलम गाँव, आगे मिलम ग्लेशियर, अभी हम जा रहे भैया के साथ रास्ते में। देख सकते हैं धीरे धीरे आपको दिन के 1 बज रहे हैं अभी, आराम पहुँच रहे खाना खाने के लिए। अभी हम पहुँच गए हैं भैया के घर। हे छोटू लहसुन सुखाए हुए हैं यहाँ। यहाँ हम मिले दादी से और दादी ने बताया कि कैसे वो मुंशियारी से जोहार तक आई इस बार। आज ये नहर दे पर बही है ये दिन हु मेंटेन टॉप और 7 दिन मिलूं। 7 दिन मुंशियारी में दिल को है 6 दिन साल मिलम। जैसा कि दादी ने बताया कि उन्हें मुंशियारी से मिलम पहुंचते 7 दिन लग गए, और जो पुल अभी आपने देखा था उस पुल में भी वो गिरने से बची थोड़ा सा। और दादी के हाथों का खाना खाने के बाद अब हम चल पड़े हैं मिलम गांव को देखने, और शायद इसके बाद हम पांचू से होते हुए वापस बुरपू जाएंगे। देख सकते हो लगभग चारों ओर खंडर ही खंडर दिख रहे हैं, बहुत कम परिवार है जो कि आते हैं यहाँ। देख सकते हो आप इतना बड़ा पत्थर है, इसमें लगभग लिखा तो हुआ है 3.24 × 0.40 meters। हाँ एक पूरा भेंग फिर लगभग इतना और इतना चौड़ा ही है बहुत है। वैसे ही और भी बहुत सारे पत्थर है यहाँ, ये अलग भी लंबा है। यहाँ ये जम्बू बोया हुआ है खेतों में, हम लोग दीवार का पत्थर देखने के चक्कर में लोगों के खेत में घुस गए, पर कोई बात नहीं अब देख रहे हैं। भी बहुत बड़े बड़े वेंगरी डिज़ाइन देख सकते हो, दरवाजों के खिड़कियों के डिज़ाइन खासी कैसा करते होंगे उस टाइम पे। अब तो खंडर ही हो चुका है अंदर पूरा ही वॉल हॉक पे अच्छा चढ़े ऊपर। हाँ तो फिर सारा यही है, खंडर ही है सब कुछ, अंदर ही अंदर घूमो तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा गाँव है। पुराने लोग बताते थे जब यहाँ नई नई शादी होती थी तो दुल्हनें रास्ता भटक जाती थी अपने घर का, पीने का पानी लेके जा रहा। थक गया हमारे साथ आया हुआ राहुल, थक गया यहाँ पे, कह रहा कि फोटो भी खींच दो पीछे भी अच्छा रहे। आ गए हैं मिलम गांव में, आगे आते आते थोड़ा सा आगे यहाँ पर कुछ अंकल बुआई कर रहे हैं और यहाँ पेड़ लगे, यहाँ बुआई चल रही है। और ये पेड़ किसके आ रहे, पेड़ लगे बहुत ही अच्छे खजूर के पेड़
इसे भी नहीं पता है किस चीज़ का पेड़ है और ना ही मुझे पता है। देख सकते हो यहाँ पर जम्बू की खेती की गई है, जिसे कि बाद में सुखा के लोग रखते हैं। और जम्बू का रेट लगभग 1000 से 1500 रुपये किलो तक में बिकता है, जो कि खाने में बहुत ही यूज़ किया जाता है। खाना खाने के बाद और थोड़ा सा गांव घूमने के बाद हम फिर से होटल में पहुँच चुके हैं। और यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है और देख सकते हो कभी मेला में आओगे तो ये झंडे दिख जाएंगे आपको फहराते हुए, लाल पीला सफ़ेद रंग में। तो आप पता चल कर सकते हो कि यहाँ पर होटल है। और यहाँ अभी हमने राहुल का फ़ोन और मेरा पावर बैंक चार्ज पे लगाया था, तो उसे ले लेते हैं और थोड़ा सा सामान लेते हैं और वापस किले निकलते हैं। होटल में आपको टीवी भी देखने को मिलेगा, तो फिर टीवी देखो और आराम करो। यहाँ पर आधा घंटा आराम करेंगे टीवी देखते हुए। हम से हम निकल चुके थे और अभी आप देख रहे हैं ये यहाँ पर गरारे हैं, रोप वे केबल, और ये पुल की हालत यहाँ भी ख़राब ही है। और आप देख सकते हो अभी हम जा रहे हैं, तो देखते थोड़ी देर में इस पार पहुँच के। और ये रोप वे केबल, पुल की हालत देख सकते हो आप, सो डेंजर, बहुत ही ख़राब। और तो चले आगे के लिए। अभी लगभग 3 बजने और हम पाछू के रास्ते पे चलते हुए बूढ़ी गंगा के किनारे किनारे आराम से जाते हैं। देखो कितनी देर में पहुँचते हैं हम पाछू तक का। उसके बाद पाछू के बाद अगला गांव आएगा गनघर, गनघर के बाद मापा, उसके बाद जाके हम बुद्ध पहुँचेंगे। अरे नीचे को जा, कौन सा नीचे जा रहा है। अभी शाम के 3:30 बज रहे हैं और मिलम से हमने चलना शुरू किया था लगभग 2:30 बजे और अभी हम पहुंच गए हैं पाँचू गांव में। पाँचू गांव यहां से नंदा देवी ईस्ट का जो बेस कैंप है वहां के लिए भी यहीं से रास्ता कटता है। और अभी हम पाँचू में रुकेंगे थोड़ी देर, इसके बाद आगे का सफ़र उसके बाद करेंगे। पाँचू गाँव पाँचू में लगभग कोई बता रहा था कि एक आध परिवार तो पहुंच आया है गांव में, अभी तक देखने को कोई नहीं मिला। देखते आगे कोई हो गांव में। भालू ने खोद दिया अभी पूरा। बुआ जी ने हमें बताया कि कैसे भालू ने इनके घर की छत और दीवार को तोड़ दिया था। सब खंजी वाला, हाँ खंजी भाई, कोई बात नहीं। अब तो फिर प्लास्टिक से ढके प्लास्टिक। पाँचू से चाय पी के बुआ जी के यहाँ पे और पिछले साल के ब्रह्म कमल जो की पूजा में यूज हुआ था वो मिल गया है। उसके बाद अब हम आगे गंगर की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे, और ये देख सकते हैं भोजपत्र का जंगल है पूरे। ये रहा गनगर गांव और बगल में पाँचू गांव देख सकते हो आप। अभी हम पाँचू से चले थे और गनगर पहुंच गए, और सामने जो गांव दिख रहा है वो है पुरपू। और अभी हम चलते हैं अपने घर पुरपू के लिए धीरे धीरे। सामने आप देख सकते हैं टेंट हाउसेस। अभी शाम के लगभग 4:30 बज रहे हैं और 2:30 बजे हमने चलना शुरू किया था मिलम से। अभी पहुंच गए हम पाछू और गनगर से आगे जा रहे मापा के लिए। सुबह से चल ही रहे, देख सकते हो आप इधर उधर पीछे को नहीं करता। और पीछे इस साइड बिल्जू गांव भी है पीछे नदी के उस पार, तो हम चलते हैं धीरे धीरे। मालछोड़
देख सकते हो पानी का उड़ते रहता है, वैसे मुश्किलें हम होती हैं। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं मापा में। वैसे मापा का गांव आगे भी है और शायद ये भी है, जहाँ तक मुझे पता है ये मापा का ही है। हालत लगभग ख़राब है, तीसरा दिन लगातार, तीसरे दिन में पैदल ही चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में वापस बिल्कुल पहुँचते हैं। और अभी 5:30 हो रहे और हम पहुंच गए अभी मापा गाँव। यहाँ मापुआ लोग रहते हैं, देख सकते हो आप जम्बू की खेती की हुई है, जम्बू दिखेंगे आपको खेतों में। ये हमारे साथ ही 53 किलोमीटर और अभी हमारे हैं पीछे मिलम से 6 किलोमीटर और हम फाइनली अभी 6 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं बुरफू, मेरा बुरफू का पुल और ऊपर बुरफू गांव। तो आज के लिए बस इतना ही सफ़र था हमारा। अब आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में जहां हम जाएंगे मतोली गांव।